संघर्ष से सफलता मिलती है, बिना संघर्ष किए कुछ चीज़ हमें हासिल नहीं होती। एक लाइफ में क्या पूरी आप होल लाइफ का सिस्टम देख लीजिए कि जहाँ से हम पैदा होते हैं और जब तक हम मरते हैं तब तक रोज़ का ही जीवन जो हमारा है वो संघर्ष का है, चाहे घर से ले लो चाहे बाहर से ले लो। और अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है तो जी बिना संघर्ष किए हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो जी एक बार फिर से स्वागत है मेरे आज के अपने इस एक और नए वीडियो में, और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और आज का वीडियो शुरू हो रहा है। सुबह के बज रहे थे 10:15 से ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है, जो कि रोज़ाना मेरा ज़्यादातर 10:15 से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालने के बाद अभी मैं फ्री होती हूँ तो यहाँ से जो होता है ना मेरे घर के काम स्टार्ट होते हैं। मेरा संघर्ष जो है ये घर के कामों का ही है, रोज़ाना का, कि भाई अब मैं बोर भी हो जाती हूँ कि ये काम मैं कहाँ तक रोज़ ही दिखाऊँ या रोज़ ही करूँ। बट क्या है कि एक औरत की लाइफ में यही चीज़ें हैं ना, क्योंकि जो हाउसवाइफ हैं वो घर का करती हैं तो यही दिखा सकती हैं और करेंगे भी क्या। जब कभी बाहर वगैरह जाना हो तो वो दिखाएं, बट अभी क्या है कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं, तो घर के ही ये काम में ही जो होती है ना एक औरत बंधी रहती है सुबह से शाम तक। अपने लिए तो देखो जीने का टाइम ही नहीं मिलता कि हाँ चलो घूम आए फिर आए, अकेले कहीं चले जाए मौज मस्ती कर लें। और उससे पहले क्या होता है आप जाने की सोचोगे भी ना तो एक औरत के लिए बहुत सारी जिम्मेवारी होती है, कहीं जा अगर मार्केट भी जाना है ना उससे तो पहले रोटी बना जाए, चाय बना जाए, बच्चों के लिए कुछ खाने को रख जाए, या फिर अगर बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम है तो भाई पहले बच्चों को ट्यूशन भेज जाए फिर आराम से चली जाएगी, वरना पीछे बच्चे ट्यूशन जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप अपने लिए सोचने से पहले जो है 10 बार दूसरों के लिए सोचना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, चाहे हस्बैंड ने आए चाहे घर में आपके कितने भी और सदस्य हैं सबके लिए, कि भाई पीछे कोई अगर हमारे सास ससुर हमारे साथ रह रहे हैं तो उनकी भी टेंशन है कि उनका चाय पानी का टाइम हो रहा है, खाने का टाइम हो रहा है। तो एक अपने लिए ज़रा सा हमें मार्केट जाने के लिए सोचने के लिए भी ना तो पहले घर वालों के बारे में सोचना पड़ता है एक औरत को। और लिखने वालों को चाहे कोई भी मेरा वीडियो देखता है तो वो सिर्फ ये कमेंट कर देता है कि तुम बस घर के ही काम दिखाती हो, तो भाई घर के कामों के अलावा एक औरत के पास है ही क्या। सुबह से आँख खुलते ही उसके जो काम स्टार्ट होते हैं वो घर की ही देख रेख में, घर के ही बच्चों को देख, हस्बैंड के लिए देख, परिवार के लिए देख, और अपने काम में ही बिज़ी रहना सबसे अच्छा लगता है मेरे को तो, क्योंकि जो व्यस्त है वो मस्त है। शायद ये चीज़ बहुत अच्छी एक उदाहरण है सिंपल सा, जो अगर अपनी लाइफ में बिज़ी है ना इंसान उसके लिए फिर मेरे को नहीं लगता कि कोई टेंशन उसके दिमाग में बैठ भी पाएगी, क्योंकि जब हम अपनी ही चीज़ों में अपने फंसे हुए हैं कि हमारे को पूरा दिन हमारा एक बिज़ी टास्क की तरह है कि सुबह आँख खुलते ही हमारी जो ड्यूटी स्टार्ट होनी है वो घर हस्बैंड बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है या पूजा करनी है, घर के कामों से ही स्टार्ट हो जाती है, एक हाउसवाइफ की बोल रही हूँ। और जो बाहर जॉब करती है तो देखो उनके लिए क्या है कि वो घर में अपना सुबह उठ रहे हैं, बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं, कितने लोग कैसे मिल रहे हैं किसके हिसाब से, या जो 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 अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए भी है कि भाई बाहर के लोगों को हैंडल करना कैसे क्या। तो सबके लाइफ में वही काम है, कोई किसी तरह से परेशान है, कोई किसी तरह से परेशान है, मगर एक चीज़ है कि आप हमें क्या है, हमें तो सिर्फ घर में रह के घर का ही करना है, और जो बाहर रहते हैं बाहर की ड्यूटीज़ करते हैं उनका तो और भी ज़्यादा है कि भाई बाहर कैसे कैसे लोग मिलते हैं क्या होता है। यहाँ तो ये है अपनी मर्जी का काम है, झाड़ू पोछा करा सफाई करी, किसी का एक प्रेशर नहीं है माइंड पे कि हाँ कोई बोलेगा कोई टोकेगा, तो ये होता है एक आज़ाद उसका दिमाग का कह लो या, मगर ये है कि आप अगर बिज़ी हो अपनी लाइफ में तो इससे अच्छा कोई मेरे को नहीं लगता कि आपके लिए कोई जीवन का कोई मूल मंत्र होगा, क्योंकि बिज़ी रहने से आपका दिमाग कहीं इधर उधर नहीं भटकता, अपने कामों में अपनी फैमिली में ही एडजस्ट होके रहता है। सुबह से शाम तक हमें जो हमारे परिवार है या हमारे साथ जो भी जितने जने कनेक्ट हैं हम बस उनके लिए सोचते हैं, उन्हीं के लिए जीते हैं, बच्चों के लिए हस्बैंड के लिए या परिवार के लिए, कि भाई सुबह से शाम तक एक औरत को जो है इन्हीं की सेवा करनी है, इन्हीं के लिए सब कुछ करना है। तो मैं यही कह रही थी कि अगर बाहर भी जाना होता है ना तो पहले 10 बार माइंड में ये चीज़ सोचनी पड़ती है, भाई बाहर जा रही हूँ
ये करके आना है, खाने का टाइम हो रहा है। अगर किसी का, जैसे सपोज करो अगर इवनिंग में भी मार्केट मेरे को जाना है, तो पहले मैं खाना वगैरह रेडी करके जाती हूँ, क्योंकि ये है कि टाइम से ही सब खाते हैं। जैसे मदर इन लॉ ने भी खाना है तो वो 6:30 7 तक अपना खाना जो है उनका हो जाता है, तो इसलिए उनकी वजह से भी तो वो फिर 7:30 8 हो जाते हैं कि फिर बच्चे खाएंगे फिर हस्बैंड खाएंगे, तो वो टाइम भी मेरा ऐसे ही निकल जाता है शाम का भी। और रह गया रात का जो टाइम होता है, वो ज़्यादातर मैं जो है 8 बजे के बाद मैं अपना नीचे चली जाती हूँ, हस्बैंड के साथ शॉप संभाल लेती हूँ। तो ये होता है पूरे दिन का रूटीन। मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे से उठ के वही पूजा पाठ झाड़ू वाड़ू लगा के नहाना धोना, जो 7 बजे तक है सिर्फ यही पूजा पाठ का काम हो पाता है। फिर 7 से 8 जो है नाश्ता वगैरह बनाना है, बच्चों को देना है, हस्बैंड को देना है, तो नाश्ते का काम हो गया। फिर उसके बाद जो है अपना 2 घंटा मेरा जिम में चला जाता है। फिर 10 बजे से आने के बाद आप जो है घर को, सबसे पहले घर ठीक करना है, क्योंकि घर की जो कंडीशन होती है वो आप लोगों ने देखी है, मॉर्निंग के टाइम पे इतना बिखरा हुआ घर होता है कि सारी चीज़ों को उनको अरेंज करके रखना, उठाना, रखना, संभालना, यही सारी चीज़ें। फिर जो होता है 10 बजे से जो 12:00 1 या 1:30 बज जाता है रोटी वोटी बना के, फिर उसके बाद जो 2 बजे तक जो है ये ड्यूटी घर के काम की ही लगी रहती है कि बच्चे आ रहे हैं फिर उनको खाना बनाना है, जो सफाई करने में 2 घंटा लग जाता है, और रसोई का खाना बनाना है, सब्जी आटा करना है, रोटियां बनानी हैं, फिर वो हो गया, फिर कपड़े जो धुलते हैं उनको जो है फोल्ड करना है, तय करना है। तो ये मतलब जो सुबह अगर 5:15 उठो 5 उठो, मगर काम अपने वही 1:30 2 बजे से पहले मेरे ख़त्म ही नहीं होते। तो ये होता है मेरा रूटीन। फिर 2 बजे के बाद क्या है, खाना वाना खाया, 2:30 3 होता है, तो थोड़ी देर जो होता है कि 1-1.5 घंटा भाई अपने लिए चाहिए, 1-1.5 घंटा मैं रेस्ट करती हूँ 4:30 5 तक। फिर 5 बजे के बाद उठती हूँ तो फिर चाय वगैरह बनाती हूँ, तो एक मन को क्रेविंग होती है कि भाई पहले इवनिंग की एक बढ़िया सी चाय ले लें, थोड़ी देर फ़ोन वोन चलाती हूँ शाम के टाइम, और फिर वही होता है शाम के खाने की तैयारी करने लग जाती हूँ 5:30 बजे के बाद। फिर शाम की पूजा पाठ दिया बत्ती करनी है, खाना वगैरह देना है, खिलाना है, और फिर नेक्स्ट डे की जो भी सुबह मॉर्निंग में कुछ बनाना है सब्जी वगैरह वो कट कर लेनी है या मार्केट से लेकर आनी है। तो ये रहता है मेरा पूरा दिन का शेड्यूल। क्योंकि कल एक मेरे को कमेंट आया था कि आप रोज ही ये चीज़ दिखाते हो तो कुछ अलग दिखाओ, तो भाई अब अलग मैं क्या ही दिखाऊँ, जो मैं रोजाना काम करती हूँ मैं वही दिखा सकती हूँ। और होप करती हूँ आप सबको भी ये चीज़ अच्छी लगती होगी, क्योंकि एक जो हाउसवाइफ होती है वो सिर्फ घर का ही जो पूरे दिन का रूटीन है कि मॉर्निंग का इवनिंग का वो सेम सा ही है। सुबह तो सुबह के खाने वाने की तैयारी, घर की क्लीनिंग हो जाती है, और इवनिंग में जो होता है कि रात के खाने की तैयारी हो गई। इवनिंग में काम थोड़ा सा कम होता है, सिर्फ खाने खाने का रहता है, वैसे ज़्यादा काम नहीं होता। मॉर्निंग में जितना ज़्यादा होता है इवनिंग में उतना कम होता है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो का एंड करती हूँ, होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अभी मेरा जो है काम मेरा घर का पूरा कंप्लीट हो चुका था, और मैं अभी बैठी थी बस चाय लिए काम वगैरह निपटा के, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ वीडियो बनाने का भी मेरा ना ज़्यादा मन नहीं करा था, क्योंकि अभी कभी आपका मूड ऐसा होता है ना कि बस दिल करता है लेटे रहो या काम कुछ ना करो, तो आज मेरे साथ भी वही हो रहा था। तो अभी मैंने चाय लिया, अब इसके बाद मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी कुछ बातें कर ली जाएँ आप लोगों के साथ। तो अभी जो है शायद 1 बजने वाला है, और अभी मेरे को खाना बनाना है, और खाने में आज मैं बनाऊँगी अपने लिए और बच्चों के लिए मैगी बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड का फास्ट है, ट्यूसडे है, और जिस दिन फास्ट होता है तो उस दिन हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है कुछ भी पसंद का, जैसे मैगी बना लिए, कुछ भी जो ज़्यादा अच्छी लगती है चीज़ें बच्चों को भी और मेरे को भी। तो बस इसी के साथ मैं अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और मैं कल मिलूँगी आप लोगों से। और अपना अपना ध्यान रखिए, एंड बाय बाय।